माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज की वीडियो में हम सीखेंगे रैंक फंक्शन का उपयोग करना। यहाँ पर हमने एक डेटा सैंपल लिया है जिसमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर, स्टूडेंट नेम्स और यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स के परसेंटेज दिए गए हैं। इन परसेंटेज के आधार पर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को रैंक देना चाहते हैं। रैंक के लिए हम यहाँ रैंक फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे और रैंक टाइप करेंगे। ये आप देखेंगे यहाँ पर रैंक फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पर। रैंक फंक्शन का पहला ऑप्शन है नंबर। इसके लिए हम उस वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे जिसकी हमें रैंक पता करनी है। तो हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है रेफरेंस। इसके लिए हम उस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे जिसके आधार पर हम रैंक कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ ये परसेंटेज वाले कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पर इन सेल रेफरेंसिंग को फिक्स करना है। अगर हम इनको फिक्स नहीं करेंगे और फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे अन्य सभी स्टूडेंट्स की रैंक पता करने के लिए, तो सेल रेफरेंसिंग चेंज होती जाएंगी और रैंक की जो कैलकुलेशन होगी वो एकदम गलत हो जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर इन सेल रेफरेंसिंग को फुल्ली फिक्स्ड कर देंगे F4 प्रेस करके। तो हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं F4। ये आप देख सकते हैं सभी कॉलम नंबर और रो नंबर्स के आगे डॉलर का साइन यहाँ पर बनकर आ गया है। कॉमा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग यानी घटता हुआ क्रम, यानी यदि आप सबसे ज्यादा अंक पाने वाले स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक देना चाहते हैं और सबसे कम अंक पाने वाले स्टूडेंट को लास्ट रैंक देना चाहते हैं, तो यहाँ डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे या फिर 0 टाइप कर देंगे। और यदि आप सबसे कम अंक पाने वाले स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक देना चाहते हैं और सबसे अधिक अंक पाने वाले स्टूडेंट को लास्ट रैंक देना चाहते हैं, तो यहाँ असेंडिंग पर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर 1 टाइप कर देंगे। हम यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सबसे अधिक अंक पाने वाले स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। या फिर आप यहाँ पर 0 मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट है चंचल, इनकी रैंक आई है यहाँ पर 3rd। अब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सभी स्टूडेंट्स की रैंक यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 2 स्टूडेंट हैं इनको इक्वल मार्क्स मिले हैं, तो इनका यहाँ पर रैंक भी इक्वल आया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रैंक्स यहाँ पर आई हैं ये अच्छी तरह से सॉर्टेड नहीं है। यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट की रैंक देखना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए हम यहाँ पर इसको सॉर्ट कर लेंगे। तो यहाँ इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ होम टैब के अंतर्गत सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और दूसरा है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने वहां पर क्लिक किया तो आप देखेंगे इस तरह की विंडो यहाँ पर आ जाएगी। ये पॉपअप यहाँ पर इसलिए आया है कि जो सिलेक्शन हमने किया है यहाँ पर उसके अलावा भी कुछ डेटा दिया गया है। तो क्या आप अपने सिलेक्शन को यानी जो रेंज आपने सेलेक्ट किए हैं उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं? तो क्योंकि हम रैंक के साथ साथ इस डेटा को भी सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ एक्सपेंड दिस सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सॉर्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं डेटा आपका सॉर्ट हो गया है और यहाँ पर आप आसानी से किसी भी स्टूडेंट की रैंक चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप रैंक फंक्शन का उपयोग करके रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटा चाहे किसी भी तरह का हो। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।